हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट्रैक्टिव लूप्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज एक और डिज़ाइनर श्रग का पैटर्न मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आजकल गर्ल्स को इस तरह के श्रग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ये लगते भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हैं जीन्स वगैरह के ऊपर अगर इनको पहना जाए तो। मैंने इसको ऊन से बनाया है, आप चाहें तो क्योंकि समर्स हैं तो इसको कॉटन के थ्रेड से भी बना सकती हैं जीन्स के ऊपर एज ए टॉप। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से अपने मेजरमेंट में किस तरह से बना सकती हैं पूरी डिटेल मैं आपके साथ इसकी शेयर करूँगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसी से मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये लच्छी वाली ऊन है, मार्केट में जो नॉर्मल ऊन मिलती है, 2-ply की ऊन है ये। यही मैंने इसके लिए यूज़ की है और 10 नंबर का एक क्रोशिया है, ये मैं इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ। आप अगर इसको समर्स के लिए एज ए टॉप बनाना चाहते हैं तो आप इसको कॉटन के थ्रेड से बना सकती हैं। ये देखिए, ये इस तरह का थ्रेड आता है, ये पॉलिस्टर का है, लेकिन आप सेम ऐसा ही थ्रेड कॉटन में भी ख़रीद सकती हैं। तो 14 नंबर क्रोशे के साथ आप इसकी बुनाई कीजिएगा अगर आप इसको थ्रेड से बनाएंगी तो। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो 30 इंच है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो 56 इंच है। स्लीव्स इसकी मैंने 20 इंच रखी हैं और बैक जो है इसकी वो 16 इंच है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का एक रेक्टेंगुलर पीस हम रेडी करेंगे। ये एक पूरा श्रग है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। बॉटम से हम इसको बनाने स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लंबी सी चेन बनाएंगे, उसके बाद में हम इसके ऊपर अपना पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। जो पैटर्न मैं आपको बताऊँगी वो पैटर्न यहाँ पर हम बनाएंगे, तो वो पत्ती की शेप में आता है, इस तरह से उसमें पत्तियां बनेंगी, ठीक है। तो ये जो पत्तियां हैं, 28 बार मैंने इनको डाला है और ये एक पत्ती 2 इंच की चौड़ाई लेती है, तो 56 इंच पर टोटल मेरी ये चौड़ाई कंप्लीट हो जाएगी 28 पेटल्स के साथ। जो चेन हमारी बचेगी एक्स्ट्रा वो बच जाएगी, ठीक है। तो जब बॉटम से हम इस पर काम करना शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हम ये पैटर्न डालते जाएंगे, बुनते जाएंगे और आर्म होल तक, यहाँ तक हम इसको बुनेंगे, ठीक है। तो आर्म होल तक हम इसको बुनेंगे, तो इसकी जो लंबाई है ये 17 इंच रहेगी आर्म होल तक। कॉपी में जो रो लिखा हुआ है ये 17 इंच है, ठीक है, रो नहीं है, 24 रोज़ में ये 17 इंच की लंबाई हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये 17 इंच हो गया यहाँ तक, उसके बाद हम इसके आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल की जो हमारी ऊँचाई है, वो आर्म होल जो मैंने रखा है वो 7 इंच का रखा है और 9 रो हम आर्म होल में बनाएंगे। तो यहाँ से जब हम इसको सेपरेट करेंगे फ्रंट पार्ट को, तो इस तरीके से बुनेंगे अपने रो को और उसके बाद में वापस ले जाएंगे, फिर इधर की तरफ लेकर आएंगे, फिर वापस ले जाएंगे। तो इसी तरीके से 9 रो हम कंप्लीट कर लेंगे, 7 इंच का आर्म होल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बैक का पैटर्न बनाएंगे और इसी तरीके से दूसरी वाली साइड का पैटर्न हम बनाएंगे। उसके बाद हम इसको आर्म होल को ऊपर की तरफ से जॉइंट करेंगे, ठीक है, और अपने कॉलर पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच से, जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया है, उसी हिसाब से हम इसको जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हम अपने कॉलर पर वर्क करेंगे। तो 8 रो हमें कॉलर में बनाने हैं और 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है। तो कुल लंबाई हमारी इसकी 30 इंच हो गई, ठीक है। 6 इंच का कॉलर, 7 इंच का आर्म होल और 17 इंच ये नीचे से, टोटल 30 इंच लंबाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी और 41 रोज़ में ये पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। 41 रोज़ में मेरा ये पूरा श्रग लेंथ इसकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में 28 पत्तियों का डिज़ाइन हमने इस पर डाला है, जिसमें 56 इंच की चौड़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। बाजू जो है वो हमारी 20 इंच है, तो बाजू में मैंने 24 रोज़ बनाए हैं, ठीक है, और उसके बाद में 2 रो मैंने इसमें आगे डबल क्रोशे के बनाए हैं नॉर्मल, ठीक है। बैक जो है हमारी, बैक 16 इंच की चौड़ाई है बैक की, और बैक में हमारी 8 पत्तियों का डिज़ाइन डलेगा, ठीक है। पत्ती वाला जो डिज़ाइन मैं आपको बताऊँगी वो 8 बार, तो उसमें हमारी बैक कम्प्लीट हो जाएगी। ये वाली जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये 8 पत्तियाँ इस तरह से इसमें हम डालेंगे, तो ये हमारी चौड़ाई कंप्लीट हो जाएगी 16 इंच। तो ये देखिए, 9 रो इसमें लगेंगे हमारे। तो फ्रेंड्स, ये जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है 34 से 38 चेस्ट साइज़ तक, ये बहुत ही आराम से आएगा। आप अपने साइज़ में इसको कैसे बनाएंगी ये मैं अभी आगे आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आइए पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्रोशिया से दूसरी वाली चेन में हम अपना क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, इसके बाद में एक चेन बनाएंगे। अब अपने क्रोशे पर हमें 5 बल लगाने हैं, ठीक है, ये 5 बल हो गए। अब जिस चेन में हमने सिंगल क्रोशे बनाया है उसके बाद में 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में हम क्रोशे डालेंगे।
ऊन को आगे लाएंगे और ये देखिए पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, ये पहला बल हमारा निकल गया, ठीक है। फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, ये दूसरा बल निकल गया। फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे और फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, तो ये पांचों बल हमने निकाल दिए हैं। अब ये दो लूप्स क्रोशे में है, इसमें से भी उनको निकाल देंगे, ठीक है। अब क्रोशे पर चार बल लगाने हैं। अभी देखिए नीचे जो हमने ये पांच बल लगाए थे नीचे वाले स्टिच में, ठीक है, तो ये वाला जो सबसे पहला वाला बल है ये वाला हम लेंगे और एक धागा लेंगे साथ में। तो ये दो धागे हमने ले लिए हैं, इसमें से हम ऊन को आगे लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, ये पहला बल हमारा निकल गया। अब दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे और फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, दो लूप्स हैं इसमें से भी हम ऊन निकाल देंगे। अब तीन बल लगाएंगे क्रोशे के ऊपर। अब ये देखिए ये चार बल हमने लगाए थे, इसका जो पहला वाला बल है इसको हम क्रोशे में लेंगे और एक धागा भी लेंगे साथ में, इसमें ऊन आगे लेकर आएंगे और पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, ठीक है। ये पहला बल हमने निकाल दिया, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे और ये दो लूप्स हैं इसमें भी निकाल देंगे। अब हम दो बल लगाएंगे। अब ये देखिए तीन बल वाला स्टिच है ये, इसका नीचे वाला तीसरा वाला बल लेंगे हम और एक धागा और लेंगे, इसमें हम निकालेंगे पहले दो लूप्स में से, फिर दो लूप्स में से, फिर दो लूप्स में से, ठीक है। तो ये चार स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम दो चेन बनाएंगे। अब हम दूसरी वाली साइड के चार स्टिच बनाएंगे, इसके लिए हम क्रोशे पर एक बल लगाएंगे और ये देखिए दो बल वाला स्टिच रह गया है। अब ये इसका जो पहला वाला बल है नीचे वाला, इसको हम लेंगे और एक धागा लेंगे और ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बन गया। अब हम क्रोशे के ऊपर दो बार बल लगाएंगे और ये देखिए ये वाला जो स्टिच है हमारा ये तीन बल वाला है, इसका एक बल हमने निकाल दिया है, दो रह गए हैं। अब इसी बल में हम एक बार क्रोशिया डालेंगे, दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे तीन बार। अब ये देखिए चार बल वाला स्टिच है, इसका एक बल हमने ये वाला निकाल दिया था, इसी में हमने फिर से क्रोशिया डाला है, दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे और फिर से दो लूप्स में से निकाल देंगे। अब हम चार बल लगाएंगे और ये देखिए पांच बल वाला स्टिच हमारे पास एक बचा है, इसका एक बल हमने यहाँ पर निकाल दिया है, इसी बल में हम फिर से क्रोशिया डालेंगे, पहले दो लूप्स में से, फिर दो लूप्स में से, फिर दो, फिर दो और फिर दो, ठीक है। तो ये इस तरह से चार चार स्टिचेस हमारे दोनों तरफ बन गए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे। ये देखिए ये पत्ती है हमारी, इस तरीके से ये पहली पत्ती हमारी बन गई है। अब हम नीचे से तीन चेन स्किप करेंगे। ये देखिए एक, ये वाली दो, तीन, तीन चेन स्किप करके चौथी चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक पत्ती हमारी यहाँ पर बन गई है। इस तरीके से 28 बार हमें ये पत्तियाँ बनानी हैं। तो 56 इंच की चौड़ाई मुझे अपनी नीचे के दामन की मिल जाएगी। इसी तरीके से हमें अभी फिर से ये आगे पत्तियाँ बनानी हैं, तो इसके लिए फिर से हम क्रोशे के ऊपर पांच बल लगाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तीन चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में क्रोशिया डालकर हम अपनी दूसरी पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले वाली पत्ती आपको बनानी बताई है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। एक साइड में हमें पहले पाँच बल लगाने हैं, फिर चार लगाने हैं, फिर तीन लगाने हैं, फिर दो लगाने हैं। दूसरी साइड में हमें पहले एक बल लगाना है, फिर दो लगाना है, फिर तीन लगाने हैं और फिर चार लगाने हैं। इस तरह से हमारी पत्ती जो है कंप्लीट हो जाती है। तो रो कंप्लीट हम कर लेंगे अपना। ये देखिए 28 पत्तियाँ पूरी मैंने अपनी बना ली हैं और 56 इंच की चौड़ाई मेरी पूरी बॉटम की हो गई है रेडी, ठीक है। अब ये सिंगल क्रोशिया आखिरी हमने बनाया हुआ है। अब इसके बाद में हम एक चेन बनाएंगे और इस पीस को पलट लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमें चार चेन और बनानी है, ठीक है। ये टोटल हमारी पांच चेन हो गई। अब क्रोशे के ऊपर हम दो बार बल लगाएंगे। ये हमारी चेन है एक्स्ट्रा वाली, इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे, ठीक है। और ये जो स्टिच है हमारा चार बल वाला, इसके बराबर में से हम क्रोशिया लेकर आएंगे आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ लाएंगे और फिर पीछे ले जाएंगे, तो ये स्टिच हमारा पीछे की तरफ हो जाएगा। इसमें से हम ऊन लेकर आएंगे, पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकाल देंगे। ये दो लूप्स क्रोशिया में हो गए। अब दो बल लगाएंगे और ये तीन बल वाला स्टिच है हमारा। यहाँ से क्रोशिया आगे लाएंगे, फिर स्टिच को पीछे ले जाएंगे, ऊन को ऊपर लेकर आएंगे और पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकाल देंगे। ये तीन लूप्स हमारे क्रोशिया में हो गए हैं।
दो बार क्रोशे के ऊपर बल लगाएंगे और ये दो बल वाला स्टिच है हमारा, इसको हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, उन लेकर आएंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर से दो बल लगाएंगे क्रोशे पर और ये एक डबल क्रोशा है हमारा, इसके पीछे हम ऊन निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे और फिर दो लूप्स में से निकाल देंगे। तो ये चार स्टिच हमारे क्रोशे में आ गए हैं। देखिए इस तरीके से ये बैक पोस्ट स्टिचेस कहलाते हैं जो हम पीछे की तरफ ले जाकर बनाते हैं। ठीक है, अब हम इन चारों स्टिचेस को एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। अब एक चेन बनाएंगे हम, ये सिक्योर हो जाएंगे सारे। अब हम तीन चेन बनाएंगे और ये देखिए यहाँ पर बीच में पत्ती के बीच में ऊपर की तरफ दो चेन स्पेस हमने यहाँ पर बनाया था, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीन चेन बनाएंगे और दूसरी साइड के जो स्टिचेस हैं हमारे वो भी हम बैक पोस्ट करके उठाएंगे इसी तरीके से, जैसे हमने ये वाले चारों स्टिचेस उठाए हैं ऐसे ही हम इनको भी उठाएंगे। ठीक है, इधर की तरफ को उठाएंगे और ये वाले जो दूसरी वाली पत्ती है इसके स्टिचेस भी हम इधर को ही उठाएंगे और सारे आठ स्टिचेस एक जगह करके हम एक साथ जोड़ देंगे। तो क्रोशे के ऊपर दो बार बल लगाएंगे और इस साइड का पहला स्टिच उठाएंगे हम पीछे की तरफ को और इस तरह से स्टिच ले लेंगे। ये दूसरा स्टिच है हमारा, इसको बनाएंगे। ठीक है, यार्न ओवर करेंगे दो बार और ये तीसरा स्टिच है हमारा, इसको भी बैक पोस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से आठों स्टिच हम अपने बैक पोस्ट करके उठा लेंगे। ठीक है, ये चार उठा ली हमने इस तरफ से और अब इस तरफ से हम चार उठाएंगे, पीछे से आगे क्रोशे लाएंगे, पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, इसी तरीके से ये चारों स्टिच हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, बहुत ही ब्यूटीफुल श्रग है ये और ज़रूर आपको पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएगा कि आपको ये कैसा लगा है। ये देखिए चारों स्टिचेस हमने साइड के भी उठा लिए हैं, अभी आठ स्टिच हमारे क्रोशे में हैं, अब इनको हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। अब एक चेन बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से ये आठ स्टिच हमने उठाए हैं और बीच में एक जगह मिला दिए हैं। अब इसी तरीके से ये वाले दोनों साइड के स्टिचेस हम उठाएंगे, इधर से इधर को उठाएंगे और इधर से इधर की तरफ लेकर आएंगे और बीच में एक साथ हम उनको जोड़ देंगे। तो ऐसे ही हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है। ठीक है, सेकंड रो है ये हमारा, फर्स्ट रो हमारा पत्तियों वाला था नीचे वाला। अब तीन चेन बनाएंगे और अगली पत्ती के बीच में जो ये टू चेन स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशे के साथ जॉइन कर देंगे। अब फिर से तीन चेन बनाएंगे और ये वाले साइड के स्टिचेस हम अपने फिर से उठाने शुरू करेंगे बैक पोस्ट करके। ठीक है, तो चारों पहले हम इस वाली साइड के उठा लेंगे और उसके बाद में चारों दूसरी वाली साइड के उठाएंगे और इसी तरीके से हम उनको एक साथ जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट होने लगा है। ये चारों स्टिचेस हमने आखिर के उठाए हुए हैं, बिल्कुल जैसे हमने स्टार्टिंग में चार उठाए थे ऐसे ही यहाँ पर हमने ये चार स्टिच उठाए हैं, यहाँ पर हमारा ये रो कम्प्लीट हो जाएगा। ये हम एक साथ जॉइंट करेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब तीन चेन बनाएंगे, तीन बार क्रोशे पर बल लगाएंगे और ये जो स्टार्टिंग में हमने पहले रो में जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन में हम ये वाला ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। ये देखिए ये वाली चेन है हमारी, इसमें हम ये वाला स्टिच कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इसी तरीके से ये दिखाई देगी। अब इसके ऊपर हम अपनी थर्ड रो शुरू करेंगे और इस थर्ड रो पर ही हमारा ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए चार चेन हमने बनाई हैं, अब इस पीस को हम पलट लेंगे। ये देखिए ये जो चार स्टिच हमने एक जगह मिलाए हुए हैं ये वाले, इसकी जो ये वाली चेन है इसमें हम क्रोशे के ऊपर दो बार बल लगाकर यहाँ पर हम दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए उनको आगे लाएंगे, पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे और फिर दो लूप्स में से निकाल देंगे, फिर दो बल्ब लगाएंगे और पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से और फिर दो लूप्स में से। तो ये देखिए दो ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं और चार चेन हमने बनाई हुई हैं। अब ये जो पत्ती के ऊपर हमारा एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब क्रोशे के ऊपर दो बार बल लगाएंगे और ये जो हमारी जॉइनिंग चेन है बीच में इसमें हम दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पहले एक और एक, ये दो हो गए। अब तीन चेन बनाएंगे, अब दो बार बल लगाएंगे और इसी चेन में दो ट्रिपल क्रोशिया और हम बनाएंगे
और इसको जो हमारी आगे वाली पत्ती के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट कर देंगे, ये वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच है इसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है, दो ट्रिपल क्रोशिया, तीन चेन और दो ट्रिपल क्रोशिया बनाकर एक शेल हमारा बन जाएगा। ऐसे ही शेल हमें पूरे अपने आखिर तक बना लेने हैं। तो ये कंप्लीट रो कर लेती हूँ मैं। ये देखिए ये हमारा रो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक आखिरी बार हमें यहाँ पर दो ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, ये भी हम बना लेंगे। तो ये दो ट्रिपल क्रोशिया हमारे हो गए। अब हम एक चेन बनाएंगे, अब दो बार क्रोशिया पर बल लगाएंगे और ये जो हमारी चेन है, एक ये वाली हमारी जॉइनिंग चेन है, इसकी अगली वाली जो हमारी चेन है इसको छोड़कर जो हमारी स्टार्टिंग में हमने पांच चेन बनाई थी उसकी चेन में हमें ये आखिरी ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बना देना है। तो ये थर्ड रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ठीक है, इस तरह से ये दिखाई देगी। और ये अभी हमारी रॉन्ग साइड है, राइट साइड नहीं है ये। अब इसके ऊपर फोर्थ रो अपनी हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें फिर से हमें पत्तियाँ बनानी हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये अपना रो कंप्लीट किया है, ठीक है, ये हमारा आखिरी चेन है। इसके ऊपर हम एक चेन बनाएंगे और इस पीस को पलट लेंगे और अब जो है ये हमारी ये राइट साइड है, ठीक है। तो जैसे हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी नीचे, इसी तरीके से हमें अपनी ये फोर्थ रो बनानी है। लेकिन इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, सेकेंड राउंड में हमने ये वाली जो पत्तियाँ हैं इनको बैक पोस्ट करके उठाया था, लेकिन इसमें जो अब हम पत्तियाँ बनाएंगे इसको हम फिफ्थ राउंड में फ्रंट पोस्ट करके उठाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने जो ये पत्ती बनाई हुई है ये पत्तियाँ हम बनाएंगे। तो बिल्कुल पहले वाली जो चेन है ये, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। अब क्रोशिया के ऊपर पांच बल लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। और देखिए ये जो बीच में ये नीचे पत्ती है हमारी ये वाली, इसके ऊपर जो ये बीच में सिंगल क्रोशिया स्टिच है इसमें हम अपनी पत्ती बनाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी तीन चेन स्किप करके, ऐसे हम यहाँ पर अपनी पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले दो बल में से निकालेंगे, फिर दो में से, फिर दो में से, फिर दो में से, और ये लास्ट दो, ठीक है। अब हम क्रोशे पर चार बल लगाएंगे और जो पहला वाला हमारा बल है इस वाले स्टिच का, इसका बल लेंगे और एक धागा साथ में लेंगे। पहला बल निकालेंगे, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो आई होप पत्तियाँ मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से बनानी है। ऐसे ही हम अपनी ये पत्ती कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पत्ती हमने कंप्लीट कर ली है और ये जो आगे वाला हमारा चेन स्पेस है, थ्री चेन स्पेस, इसमें हम ये पत्ती को जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये हमारी पहली पत्ती यहाँ पर बन गई है, ठीक है। इसी तरीके से सारी पत्तियाँ हमें इस रो की बनानी हैं, फोर्थ रो है ये हमारी। तो सारी पत्तियाँ हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिफ्थ रो में थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी है तो वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो पहले हम ये सारी पत्तियाँ बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये पत्तियाँ भी हमने अपनी सारी कंप्लीट कर ली हैं। ये आखिरी पत्ती है हमारी, इसको हम जॉइंट करेंगे। ये जो हमारा आखिरी वाला थर्ड रो का जो चेन स्पेस है, थ्री चेन स्पेस है ये, सॉरी एक चेन स्पेस है यहाँ पर और उसके बाद में तीन चेन है। तो तीसरी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ये रो हमारा फोर्थ रो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, उसके बाद इसमें चार चेन और हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। ये चार हो गई। अब इस पीस को पलट लेंगे और ये देखिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्रोशिया के ऊपर दो बार बल लगाएंगे और पहले हमने क्या किया था, इस तरीके से क्रोशिया लिया था पीछे की तरफ, ठीक है। ये बैक पोस्ट होता है क्योंकि हम स्टिच को पीछे की तरफ ले गए, लेकिन अभी हमें इसको फ्रंट पोस्ट करना है। तो इस स्टिच को हम आगे की तरफ उठाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है, वैसे नहीं बनाएंगे। दो बार क्रोशिया पर बल लगाएंगे और स्टिच के बराबर में से पीछे की तरफ क्रोशिया ले जाएंगे और स्टिच के बराबर में से आगे की तरफ वापस क्रोशिया ले आएंगे हम इस तरीके से। ये देखिए स्टिच उठा लिया है हमने क्रोशिया के ऊपर। अब इसके ऊपर हम ये स्टिच बनाएंगे, दो बार बल लगाएंगे, स्टिच को उठाएंगे, पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे, दो बार बल लगाएंगे और स्टिच उठाएंगे, ठीक है।
उनको लेकर आएंगे, पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे। तो ऐसे ही ये चारों स्टिचेस हमें उठा लेने हैं, ठीक है। ये चार स्टिच हमारे क्रोशिया में हो गए, एक साथ कंप्लीट करेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर तीन चेन बनाएंगे। अब ये पत्ती के बीच में जो चेन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। अब फिर से दूसरी वाली साइड के हम जो स्टिचेस हैं हमारे चार, इसको हम फ्रंट पोस्ट करके उठाएंगे और दूसरी वाली जो पत्ती है उसके स्टिच भी हम चारों फ्रंट पोस्ट करके उठाएंगे और उनको एक साथ हम जॉइंट कर देंगे। आठ स्टिचेस जैसे हमने अपने सेकंड रो में एक साथ जॉइंट किए थे वैसे ही सेम हमें यहाँ पर भी करने हैं। तो ये बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट का आपको ध्यान रखना है। पहले रो में सेकंड रो में हमने स्टिचेस को बैक पोस्ट करके उठाया था और ये हमारी फिफ्थ रो है, इसमें हमने स्टिचेस को फ्रंट पोस्ट करके उठाया है। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, किसी भी रो में आप चूक जाएंगे तो आपका ये पैटर्न गलत हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो ये वाली रो हम कंप्लीट करेंगे, उसके ऊपर जो हम रो बनाएंगे वो यही वाली थर्ड रो होगी हमारी। ये जो हमने शेल वाली रो बनाई है जिसमें हमने दो ट्रिपल क्रोशिए और तीन चेन और दो ट्रिपल क्रोशिए बनाए थे, तो यही रो हमें तीन तीन रो बार बार रिपीट करनी है, ठीक है। तीन बनाएंगे, उसके ऊपर फिर तीन बनाएंगे, इसके ऊपर फिर से तीन बनाएंगे। तो इसी तरीके से आर्म होल तक अपने 24 रोज मुझे कंप्लीट कर लेने हैं। ये देखिए 24 रोज मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैंने इनको बनाया है। 56 इंच इस पीस की इस टाइम चौड़ाई है, ठीक है, और 17 इंचेस इसकी ऊंचाई है आर्म होल तक, ठीक है। अब इसके हम आर्म होल बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने मार्कर लगाया है, स्टिच मार्कर। तो यहाँ से हम गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस पत्तियाँ हैं ये और 20 इंच यहाँ तक हमारी इसकी चौड़ाई हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से सेम दूसरी साइड में हमारी 10 पत्तियाँ हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस इंच, दस पत्तियाँ हो गई और 20 इंच की चौड़ाई हो गई। अब हम बीच में आपको बैग दिखाते हैं। बैग में हमारे आठ पत्तियाँ हैं, एक मार्कर से लेकर दूसरे मार्क तक। तो आठ पत्तियों में 16 इंच की हमारी चौड़ाई है पूरी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ पत्तियाँ हो गई और 16 इंच की इसकी ये चौड़ाई है। तो 56 इंचेस पूरे मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। 56 ही नीचे से है और 56 ही ऊपर से है। अभी हम इसको और ऊपर तक बनाएंगे। तो इसके लिए हम अपने आर्म होल को अलग करेंगे, इस पीस को हम तीन भागों में बांटेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर की बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये रो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हुई हुई है। आप ये ऊन देख रहे हैं कोने में, ये यहाँ पर मैंने इसको बुनते हुए मैं इसको यहाँ तक लाई हूँ। अब मुझे ये रो इधर की तरफ लानी है आर्म होल तक यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं बुनते हुए इसको वापस ले जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैं बुनते हुए फिर इधर ही लेकर आऊँगी, फिर उसको बुनते हुए फिर वापस उधर तक ही ले जाऊँगी। तो इसी तरीके से मैं अपने 9 रो कंप्लीट करूँगी। इसी हिसाब से फिर मैं बैक यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इधर की तरफ लेकर आऊँगी क्योंकि रो हमारी इधर की तरफ को ही चल रही है। और ऐसे ही मैं फिर इसको पलटूँगी, फिर इसी तरीके से रोज़ बनाते हुए मैं 9 रो यहाँ पर भी बनाऊँगी और यहाँ पर हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर बुनते हुए 9 रो ही मैं यहाँ पर अपने बनाऊँगी। तो मेरा जो आर्म होल है 7 इंच का वो 9 रो में कंप्लीट हो जाएगा और तीन भागों में मुझे ये पीस बटा हुआ मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं भी आपको स्टार्टिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत पैटर्न ये लग रहा है। ये देखिए, जहाँ मैंने आपको धागा दिखाया था वहाँ से बुनते हुए मैं इसको यहाँ आर्म होल वाले स्टिच मार्कर तक लेकर आ गई हूँ, ठीक है। जो थर्ड रो हमारी बनती है वो वाली रो इस टाइम हमारी ये चल रही है शेल वाली। तो ये आखिरी चेन है जिसमें मैंने अपना स्टिच मार्कर डाला हुआ है, इस मार्कर को मैं निकाल दूँगी और इस वाली चेन में मैंने दो ट्रिपल क्रोशिए, एक चेन स्पेस और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है। इसी तरीके से ये रो कम्प्लीट होता है, ठीक है। पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था ऐसे ये रो कम्प्लीट होता है। अब मैं इस पीस को पलटूंगी और अपना इसके ऊपर से फिर से फर्स्ट रो बनाना स्टार्ट करूंगी, इसके ऊपर पत्तियाँ डालूंगी, ठीक है। यही वाली चेन है हमारी, इसी में हम अपना बैक का काम स्टार्ट करेंगे। इसी वाली चेन में से हम यहाँ पर तीन चार चेन उठाएंगे और पहले एक दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और ये शेल वाला राउंड उधर को हम लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद में उधर से बुनते हुए लेकर आएंगे वापस इधर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये अपनी बैक बनाएंगे और ऐसे ही हम अपनी दूसरी वाली फ्रंट की साइड भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इस पीस को मैं यहीं से पलट लूँगी।
और यहीं से ये थर्ड रो वाला, ये पैटर्न का हमारा थर्ड रो चल रहा है। अब इसके ऊपर मैं फिर से अपना फर्स्ट रो बनाऊंगी। तो जिसके लिए पहली वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर पांच बल लगाएंगे और अपनी पहली पत्ती हम बनाएंगे। ये वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है पत्ती के ऊपर, इसमें हम अपनी पत्ती बनाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम इसे बुनेंगे। नॉर्मली ही सिर्फ 9 रो हम इसको बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आर्म होल हमारा ये सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने आपको ये बुनकर बताया था। यहाँ से इस वाले रो से, ये थर्ड रो है डिज़ाइन की, इसके ऊपर मैंने पत्ती वाली रो स्टार्ट की थी और ये वाली साइड बुनी है, और ये वाली साइड बैक की है, ये हमारी दूसरी साइड, ये भी हमने बुनी है, ठीक है। और ये जो है थर्ड रो पर हमने इसको रोक दिया है, ठीक है। 9 रो हमारी कंप्लीट हुई हैं। जो हमारे डिज़ाइन का थर्ड रो होता है उस वाले रो पर आकर मेरी ये आर्म होल की चौड़ाई जो है ये कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। ये तीनों साइड मैंने अपनी बुन ली हैं। ये देखिए, ये धागा है हमारा एंड का, जहाँ पर हमारा काम ख़त्म हुआ हुआ है। यहीं से अब अपना काम हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो इस चेन को हम खोल देंगे और इस धागे में अपना धागा दोबारा से जोड़ देंगे गांठ लगाकर। तो ये देखिए, इसमें गांठ हमने लगा दी है और यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। दोबारा से हम ये जो हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, इसको दोबारा से हम एक ही जगह जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इस पीस को पलट लेंगे, और ये जो पहली वाली चेन है हमारी, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और पांच बल लगाएंगे क्रोशिया के ऊपर। और ये जो सिंगल क्रोशिया है हमारा, इस वाले क्रोशिया में हम अपनी पहली पत्ती बनाएंगे। अब इसके बाद क्रोशिया के ऊपर चार बल लगाएंगे और पहले वाले बल में हम क्रोशिया डालेंगे और अपना ये वाला स्टिच भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पत्तियां बनाते हुए हम यहाँ तक ले आएंगे, जहाँ तक हमारा आर्म होल है। ये देखिए, पूरा अपनी फ्रंट साइड मैंने कंप्लीट कर ली है, सारी पत्तियां बना ली हैं, 10 पत्तियां हैं ये हमारी। उसके बाद में ये हमारा आर्म होल आ गया है, जहां पर हमने अपने पीस को सेपरेट किया हुआ है। तो यहां पर देखिए, ये जो शेल वाला रो है ये, जिसमें हमने अपना काम यहां पर ख़त्म किया हुआ है। तो यहां पर एक चेन है हमारी और इस साइड में भी ये हमारा हाफ शेल बना हुआ है, उस साइड में भी। तो इस ये दोनों साइड हम लेंगे एक साथ, हम इनको क्रोशिया में लेंगे, एक चेन हम इधर से लेंगे, ठीक है, और एक चेन हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन हम उधर से, उधर वाली साइड की उठाएंगे। ये जो बिल्कुल आखिरी वाली चेन है, एक सिंगल क्रोशिया इसमें से उठाएंगे हम। अभी दो हो गए हमारे क्रोशिया में, इन दोनों को हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वो सिंगल क्रोशिया हो गया जो पत्तियों के बीच में हम बनाते हैं, और इस सिंगल क्रोशिया पर आकर हमारा ये आर्म होल जो है ये जॉइंट हो गया है दोबारा से। अभी हमारी बैक आ गई है, ठीक है। ये बैक के स्टार्टिंग के नीचे वाले रो में हमारे तीन ट्रिपल क्रोशिया बने हुए हैं। अब देखिए, ये सिंगल क्रोशिया स्टिच है, इसमें हम अपनी पहली पत्ती बनाएंगे। ये पांच बल हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम चार बल वाला स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से पत्तियाँ बनाते हुए ये बैक भी हम पूरी बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल है, ठीक है। और इसी तरीके से बैक कंप्लीट करके दूसरी साइड में जब हम पहुंच जाएंगे, तो दूसरी साइड का भी जो आर्म होल है उसको हम सेम इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ जॉइंट कर लेंगे, और उसके बाद पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको ऊपर तक बनाएंगे, ठीक है। तो 6 इंच का कॉलर है ये, और 8 रो इस कॉलर में हम बनाएंगे। दोनों आर्म होल कंप्लीट करके ऊपर का कॉलर भी हमने बना लिया है, ठीक है। और पैटर्न आप देख ही रहे हैं, कितना खूबसूरत पैटर्न है ये देखिए।
तीन बार हमने ये डिज़ाइन डाला है और जो सेकंड रो हमारे पैटर्न का होता है उस पर आकर हमारा ये कॉलर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही इजी और सिंपल है ये। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इसको आप अपने नाप के हिसाब से कैसे बनाएंगे, तो उसका भी बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगी। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि आप इसको अपने हिसाब से अपने साइज़ में किस तरीके से बनाएंगी। तो इसके लिए आपको जो सबसे पहला साइज़ चाहिए वो चाहिए, जैसे कि सपोज़ कीजिए ये आपका कोई कार्डिगन है और ये उसकी बैक साइड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला जो नाप लेना है आपको वो ये लेना है। ठीक है, मेरा जो ये नाप है वो 16 इंच है और इसमें 8 पत्तियाँ हमारी बनी हुई हैं, तो आपको ये वाला नाप लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप नापेंगी और इसी हिसाब से एक पत्ती जो है हमारी वो 2 इंच की जगह लेती है, तो 16 इंच में मेरी 8 पत्ती बनी हुई हैं। अगर आपका तीरा ये शोल्डर अगर आपका 14 इंच है तो 7 पत्तियाँ आएंगी यहाँ पर, अगर 12 इंच है तो 6 पत्तियाँ आएंगी। अगर आप और स्मॉल साइज़ में इसको बनाएंगी, 10 इंच अगर आपका ये शोल्डर है तो उसमें 5 ही पत्तियाँ बनेंगी। ठीक है, इसी हिसाब से आपको ये नापना है और अंदाज़ा लगाना है कि कितनी पत्तियाँ आपकी इस जगह में आएंगी। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर 8 पत्तियाँ बनी हुई हैं और 16 इंच का है, ठीक है, ये चौड़ाई। अब मैंने इसमें यहाँ पर हमारी 8 पत्तियाँ हैं और ये जो हमारा हिस्सा है इधर का, इसमें मैंने 10-10 पत्ती रखी हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ के मुकाबले 2 पत्ती यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड की हैं, तो आपको भी 2-2 पत्तियाँ ही एक्स्ट्रा ऐड करनी हैं। अगर आपका ये शोल्डर 12 इंच है तो उसमें 6 पत्तियाँ आएंगी और इधर आपको 8-8 पत्तियाँ बनानी हैं। ठीक है, अगर आपका शोल्डर 14 इंच है और यहाँ पर आपकी 7 पत्तियाँ आ रही हैं तो इधर आपको 9 बनानी है और इधर भी 9 बनानी है। इसी तरीके से अगर आप इसको हैवी साइज़ में बनाएंगी, तो अगर आपका ये शोल्डर 18 इंच है तो आपकी यहाँ पर 9 पत्तियाँ आएंगी, 9 के बाद में आपको 11 इधर बनानी है और 11 इधर बनानी है। इसी हिसाब से आपको इसको घटाना है और बढ़ाना भी है, तो जो भी आपका साइज़ है उस साइज़ में आप सबसे पहले ये वाला नाप लेंगी और उसी हिसाब से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको यहाँ पर पत्ती कितनी बनानी है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर आपका ये साइज़ 12 है तो 6 पत्तियाँ यहाँ आएंगी, उसके बाद में 6 के बाद यहाँ पर आपको 8 बनानी है, इधर 8 बनानी है, तो ये हमारी कितनी हो जाएंगी, 8 और 8 16 16 और 6 22 पत्तियाँ। तो यहाँ पर आपको टोटल 22 पत्तियाँ डालनी है, मैंने यहाँ पर टोटल 28 पत्तियाँ डाली हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है, यहाँ से ऊपर तक सेम इसकी चौड़ाई रहेगी। उसके बाद में एक लंबाई आपको ये वाली नापनी है कार्डिगन की, तो ये लंबाई नापेंगी आप कंधे से लेकर यहाँ तक, जो भी आपकी साइज़ की लंबाई है। उसके बाद में कॉलर, मेरा ये कॉलर, ये हमारा कॉलर जो आता है ये 6 इंच चौड़ा है। स्मॉल साइज़ में आप इसको 4 इंच में भी बना सकती हैं और 3 इंच में भी, अगर बच्चे के लिए अगर आप बनाएंगी तो 3 इंच में भी आप इसको बना सकती हैं। अगर आप हैवी साइज़ में इसको बनाएंगी तो 7 या 8 इंच तक चौड़ा आप ये कॉलर बना सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लंबाई लेनी है अपने कार्डिगन के हिसाब से बैक की। उसके बाद में बाजू की एक लंबाई नापनी है, मेरी बाजू 20 इंच है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बच्चे का या बड़े का जैसा भी आप बनाना चाहती हैं उस हिसाब से अपनी कार्डिगन की बाजू की लंबाई एक आपको लेनी है। और एक बार और मैं आपको बता दूं कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है, तो पैटर्न डालने के बाद में हमने ये पैटर्न इस तरीके से बनाया है। ठीक है, आर्म होल तक हमने इसको बुन लिया है, उसके बाद में हमने सेम यही पैटर्न 3 भागों में बांट दिया है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जो पैटर्न हमने यहाँ से यहाँ तक डाला है वही हम यहाँ पर बनाएंगे, अपनी पत्तियों को, अपने पैटर्न को इस तरह से बुनते हुए ऊपर तक ले जाएंगे, यहाँ पर बुनेंगे ऊपर तक और यहाँ पर बुनेंगे ऊपर तक। फिर उसके बाद में हमने यहाँ से इसको जोड़ दिया है, यहाँ पर सिंगल क्रोशे स्टिच के साथ जो मैंने आपको जॉइंट करना बताया था, इसको जोड़ने के बाद में फिर हम इसके कॉलर को ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने ये नीचे का हिस्सा बुना है पूरा। ठीक है, तो बीच में हमारी आर्म होल रह जाएंगे, इसमें हम बाजू का काम करेंगे, तो इसकी बाजू मैं आपको अगले पार्ट में बनाना बताऊंगी।
क्योंकि अगर इस पार्ट में मैं इसकी बाजू बनाना बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बाजू वाली वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि इसकी जो बाजू है, जो ये हमारा पैटर्न है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें फंदे घटाना इतना ईजी नहीं है, तो मैं जिस हिसाब से आपको फंदे घटाने इसके बताऊँगी उससे पैटर्न ख़राब भी नहीं होगा और हमारी बाजू की शेप बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो बाजू के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है आज की हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर ये श्रग आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, उसी से मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। फ्रेंड्स, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक कार्डिगन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, आपको मेरा काम ज़रूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।